अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। सो फाइनली फिर आ चुके हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। तो थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि ऊबर ईट का व्लॉग है। तो आज हम लोग जा रहे हैं भाई लोग के साथ ऊबर ईट करने। तो मेरे साथ हैं जुहेब भाई और सिफतुल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। और यहाँ पर है हमारे मामू साहब, मामू शाहजेब, मामू शाहजेब ऊबर ईट्स प्रो ड्राइवर। तो आज इनके साथ चलते हैं, देखते हैं क्या सीन होता है उबर का। और इंशाल्लाह उसके बाद फिर, अभी हमारा लाइसेंस नहीं अभी तक आया, जब आएंगे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो फिर आपको दिखाते हैं क्या सीन होता है। हाँ जी, तो अभी पहुंच चुके हैं अपने ठिकाने पर। तो फिर जैसे डिलीवरी आएगी तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट काम स्टार्ट करेंगे। ये देखो ना, स्मॉल ऑर्डर, नॉट रेडी। हाँ जी, तो डिलीवरी जो है वो आ चुकी है और पिक कर ली है। और जो सिफतुल्लाह भाई थे उनको जो है वो मैकडोनल्ड्स की डिलीवरी आई है। $5 3 किलोमीटर जाना था उन्होंने। और जो है शाहजेब भाई को आई है $21 की, सिर्फ 2 किलोमीटर। तो बस अभी जो है वो रेडी हो रही है डिलीवरी, उसके बाद पिकअप करेंगे और फिर ड्रॉप करेंगे। A few moments later. I'm in a whip with a thotty, looking like Scabby. She got a body, ayy. And she been calling me daddy lately. Want me to put her in Cartier's, and the bitch deserve it. Put in work for the money she earning. Give me top. और डिलीवरी पड़ गई है अभी, जबकि दूसरी हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे क्योंकि अभी हमने एक उठाई हुई है। दोनों एट अ टाइम जो थी पिक कर उठा सकते हैं, लेकिन फिर पैसे नहीं मिलते इतने ज्यादा। हाँ जी, तो अभी जा रहे हैं ऑर्डर देने 2.6 किलोमीटर। चले चलते यार। $35 बने हैं। हाँ जी, तो डिलीवरी कर दी है, तो अभी दोबारा जा रहे हैं अपने ठिकाने पर। तो फिर न्यू डिलीवरी उठाएंगे, बताएंगे फिर कितना कमाते हैं और क्या हिसाब किताब है। हाँ जी, तो फिर एक न्यू डिलीवरी पड़ गई है। कितने डॉलर में, कितना सफर है? हाँ जी, तो जो है वो डिलीवरी थी तकरीबन 8 किलोमीटर की कैनबेरा सिटी के अंदर। तो भाई को जो है वो यूनी भी दिखानी है फर्स्ट टाइम, तो कल से क्लासेस भी हैं, तो कोई काम भी है वहाँ पर, तो इसलिए फिर वो डिलीवरी उठा ली है। तो अभी बस डिलीवरी देते हैं, उसके बाद फिर यूनी चलते हैं, जो भी सीन हुआ बताएंगे फिर आपको। हाँ जी, तो यूनी में जो काम था वो फिलहाल तो नहीं हुआ, यहीं से जो है वार्डर पड़ गया, फायदा हो गया। तो अभी भाई जो है वार्डर लेने गए हैं। यूनी जो है वैसे काफी बड़ी और प्यारी भी है, भाई का एडमिशन हुआ है, तो मेरा है तो यहाँ नहीं है। तो कल इंशाल्लाह आएंगे और सारा इसके ऊपर एक व्लॉग बनाएंगे। ऑस्कर बेकरी कैफे, ये देनी कहाँ पर है? लाइनम। और अभी वो 3-4 आई हुई थी डिलीवरीज, वो नहीं उठाई क्योंकि दूसरे काम के सिलसिले में आए थे यहाँ पे। अभी एक उठा लिया है, तो अभी वो जो है वो ड्रॉप करने जा रहे हैं। Bitch, I'm a dog, I'm with the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them off, all of my teeth. None of them fucking with me in these streets. Ooh. जी, तो डिलीवरी जो है वो पड़ गई है। सुनाओ सर, किवें जा रहे हैं बिजनेस? बिजनेस मठा ही है। किन्ने को बना ले जे? $43। सही, इसको कन्वर्ट करके बताए ना कितने बने पाकिस्तान में। मारो है पाकिस्तान के बन गए हैं 8700। ओह माय गॉड, $20 की उठाई भी हुई है। 2 hours later. अब ये देखिए हमने डिलीवर क्या करना है। ओनली वन बनाना। ओ भाई यार, कितने डॉलर थे? $18 का। ओए ये देखो,
भाई बड़ा तांगा भाई, भाई इतनी बड़ी डिलीवरी $18 की अच्छा ने गड्डी च ना लिखवा दिए लोडिंग वाले विच वेट ज्यादा हो गया कस्टमर ऑर्डर ओनली वन बनाना बेल्ट का बड़ा हैवी सीन है यहाँ पे याद नहीं रहता। हाँ जी तो उस बंदे की जो दो डिलीवरी थी तो एक उठा लिया है, अब उठाने जा रहे हैं तो उसके बाद फिर डिलीवर करते हैं उसको। और bitch I'm a dog, I'm on the leash, ain't no one holding me back, I'm a beast, showing them off, all of my teeth, none of them fucking with me in these streets, ooh, sky breathe, hit me in my DMs. हाँ जी 4 से 5 ऑर्डर डिलीवर हो चुके हैं तो एक और उठाने गए हुए हैं भाई, तो काफ़ी जो है वो अच्छा काम चल रहा है आज है अभी फ्राइडे, लेकिन जो है ना 3 से 4 ऑर्डर तो हमने कैंसिल किए थे जब यूनी में थे, तो काफ़ी जो है वो हैवी सीन था उनका भी, काफ़ी महंगे ऑर्डर थे तकरीबन 15-20 डॉलर के, वो 3-4 हमने यूनी में जो है कैंसिल कर दिए थे। खैर उसके अलावा भी जो है अब तकरीबन एक ऑर्डर डिलीवर करते हैं फौरन ही दूसरा ऑर्डर भी आ रहा है, काम अच्छा चल रहा है। बाकी अब फिर बताते हैं आपको टोटल इनकम फिर कितनी बनी और कितने ऑर्डर डिलीवर करें जैसे ही ये काम ख़त्म किया। डिलीवरी हो गई है तो अभी जो है वो कार वॉश पर आए हैं, कार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हुई है इसकी, कार जो है वो वॉश करवाते हैं तो फिर उसके बाद देखते हैं डिलीवरीज करनी है या फिर घर जाना है, जो भी सीन होगा फिर आपको बताते हैं। ये पिन है, इसके अंदर पिन कोड 648, जब वो बोलेगा स्टॉप लिखना। ये सोप वगैरह तो लग रहा है, सोप डल गया, सोप के बाद स्क्रब करेगा, स्क्रब के बाद फिर वॉश करेगा, फिर पॉलिश वाला डालेगा। अभी तक स्टॉप है ना, क्या बोलेगा कंटिन्यू आगे, बस अब आगे हम निकल सकते हैं। हाँ जी तो जो है वो डिलीवरी शिलीवरी हो गई है तकरीबन 5 to 8 डिलीवरी की हैं और टाइम जो है तकरीबन 5 घंटे लगा लें आप, तो इस हिसाब से हमारे जो है वो बनते हैं $26 पर आवर, तो सही है काम, वैसे आज कम चल हो रहा है ऐसे ही है बिल्कुल, तो लेकिन फिर भी ठीक है। और कल हमने यही जो है ना $130 जो है वो तकरीबन 3-3.5 घंटे में जो है वो अर्न किए थे और आज हमें तकरीबन 5 घंटे लगे हैं, तो ये जो है वो काम के ऊपर भी डिपेंड करता है, किसी टाइम जो है वो पीक टाइम होता है डिलीवरीज काफ़ी ज़्यादा आ रही होती हैं, कभी नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी जो है वो आज काम इसलिए थोड़ा कम हुआ है क्योंकि हमने 3 से 4 जो है ना वो कैंसिल भी किए हैं, क्योंकि वो यूनी में जो काम था भाई का इसलिए, तो बाकी जो हमारी दूसरी पार्टी है वो आते हैं उनसे जो है वो मार्सन उसी रास्ते पूछते हैं क्या सीन है तो बताते हैं फिर उसी रास्ते। हाँ जी तो डिलीवरी वगैरह का सीन जो है वो ख़त्म हो चुका है, अभी जो है वो भाई सफतुल्ला के ने डिलीवरी उठाई हुई थी वो जो है वो ड्रॉप करनी है, उसके बाद फिर घर चलते हैं। तो अभी हम आपको बता देते हैं कि कितना अर्न हुआ है और कितने घंटे लगे हैं और ये सब। खैर शाहदेव भाई ने जो है वो अर्न किया आई थिंक 140 के राउंड अबाउट, और हमें टाइम जो लगा वो तकरीबन टाइम तो सेम ही लगा 5 घंटे, तो शाहदेव भाई ने अर्न किया $130 और सफतुल्ला भाई आपने 125, सिर्फ बस थोड़े से डॉलर का फर्क है, तो खैर टाइम जो है सेम लगा 140 और 125 में फर्क है, आप जीत 3000 का 3000 पाकिस्तानी का। तो बाकी अब जो है वो लास्ट इवनिंग जो है वो ड्रॉप करके चलते हैं घर, तो बाकी अगर हिसाब लगाया जाए पर आवर के हिसाब से तकरीबन $25 से $26 बनते हैं, तो सही काम है, सुकून दे काम है, गाड़ी चलानी है बस, और काम तो बहुत अच्छा है। ये ऊबर व्लॉग था तो इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो
आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।